देखो यासिर, मेरे साथ तो तुम जो भी कर रहे हो सो कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने अब्बा की कॉल का जवाब देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। बाबू भाई, बाबू भाई, आप काफी बिजी थे, आपकी निगरानी में जो काम हुआ वो हुआ, उसके बाद सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। यासिर, मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, तुम बाद में। ये क्या हरकत है यासिर? ना तुम मैसेज का जवाब दे रहे हो, ना ही किसी कॉल का। तुम अकेले ही परेशान नहीं हो यहां पर, समझे? क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? हाँ, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं वो ही पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से तुमने इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए हैं मुझे। अच्छा, तो तुम्हें कॉल या मैसेज करने के लिए किसी बात का होना जरूरी है क्या? आज से पहले हमने घंटों बात नहीं की बगैर किसी जरूरी बात के? या सर, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और बाय द वे, अगर तुम्हें जरूरी ही बात करनी है तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब्बा ने तुम्हें कॉल की थी तो तुमने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई। देखो यासिर, मेरे साथ तो तुम जो भी कर रहे हो सो कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने अब्बा की कॉल का जवाब देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। बिजी था तो कॉल बैक कर लेते। याद नहीं रहा। याद नहीं रहा या याद रखना नहीं चाहते? यासिर, हमारी शादी होने वाली है और मेरे अब्बा तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, ये याद है तुम्हें? तो अच्छी तरह। यार यासिर, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या मैं सब की वजह जान सकती हूँ? तुम्हें अच्छी तरह पता है। या सिर्फ खुदा का वास्ता है, खत्म कर दो बात को। क्यों बात को बढ़ाकर अपने लिए मुश्किल बना रहे हो? ताकि कल को आसानी हो। अगर आज मुश्किल ना बनाया तो कल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो क्या चाहते हो तुम? देखो निदाफ, हाँ ये बात सच है कि मेरा बाप ढाबा चलाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। हाँ बबर शाह ने हमारा रिश्ता करवाया, लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि उसके ताने सुनने पड़े। तो यार फैजान ने कहा है ना ये सब कुछ, किसी और ने तो कुछ नहीं कहा ना। देखो बात को खत्म करो और सलूशन की तरफ आओ। वही कर रहा हूं। सलूशन ये है कि फिजान सबके सामने मेरे बाप से माफी मांगेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। देखिए जीवन नगर हफ्ता रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।